बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज साद वहीद, एंगुलर 18 इज़ हियर। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर 18 में नए फीचर्स कौन कौन से ऐड हो चुके हैं और एंगुलर 18 का वर्जन जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस, कौन सी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह की गई हैं। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर तो आप लोग एंगुलर में काम कर रहे हैं पहले से या एंगुलर में काम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर 18 का जो वर्जन है, जो स्टेबल वर्जन है, वो लॉन्च हो चुका है और एंगुलर 18 को लेके जो नई डॉक्यूमेंटेशन है, नई वेबसाइट है, वो भी लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल ये डिस्कस करते हैं व्हाट्स न्यू इन एंगुलर 18, एंगुलर 18 में नया क्या क्या मिलेगा या क्या क्या आ चुका है। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स इम्प्रूवमेंट, मैंने ब्रैकेट में राइट किया हुआ है इम्प्रूवमेंट्स, उसकी रीज़न ये है कि जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि एंगुलर 14 से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, बट एंगुलर 18 में प्रॉपरली आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ये समझ लें कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स होते क्या हैं। मैं अभी आपके सामने एंगुलर की एक एप्लीकेशन, एक ऐप जो कि मैंने क्रिएट की है उसको ओपन करता हूं और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाता हूं। ये मैंने एक एंगुलर 18 को यूज़ करते हुए एक ऐप क्रिएट की है। आप लोगों को आइडिया है कि जब भी हम एंगुलर की ऐप को क्रिएट करते थे तो हमारे पास यहाँ पे app.module.ts के नाम से लाजमी एक फ़ाइल मौजूद होती थी और हम क्या करते थे, जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करते थे module.ts की फाइल में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते थे या हमें ऐड करना पड़ते थे। बट एंगुलर 18 में स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, उससे क्या हुआ, जो app.module.ts की फाइल थी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि जब भी आप एंगुलर 18 को यूज़ करते हुए ऐप क्रिएट करेंगे एंगुलर की, तो आपको यहाँ पे app.module.ts की फाइल बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब होगा क्या, होगा ये कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट किए, जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे आपको किसी भी module.ts या किसी भी फाइल में उन कंपोनेंट्स को राइट करने की या इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जहाँ पे भी उसको यूज़ करना चाहते हैं जस्ट वहीं पे इंपोर्ट करेंगे, अलग से आपको module.ts की फाइल में या किसी भी फाइल में उन कंपोनेंट्स को लिखने की या परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो जितनी भी वर्किंग करेंगे, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, वो इटसेल्फ खुद से करेंगे। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स का। तो जो एंगुलर 18 का वर्जन है इसमें स्टेबल स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को आप यूज़ करेंगे और आपको एनजी मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे उसने लिखा है ट्रेडिशनली एंगुलर कंपोनेंट्स हैव रिलाइड ऑन एनजी मॉड्यूल्स टू फंक्शन। एनजी मॉड्यूल प्रोवाइड अ वे टू ग्रुप कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स एंड अदर फंक्शनैलिटीज टुगेदर। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस मॉड्यूल डिपेंडेंसी। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स में क्या है जी, आप इस चीज से, इस डिपेंडेंसी से फ्री हो चुके हैं। दे आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन विदाउट नीडिंग टू बी डिक्लेयर्ड विद इन एन एनजी मॉड्यूल। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बाद, जो नेक्स्ट मेन जो अपडेट या न्यू फीचर है वो है जी जोन लेस चेंज डिटेक्शन। आप लोग को आइडिया होगा कि एंगुलर का जो आर्किटेक्चर है, बेसिकली आप जो भी चेंजेस वगैरह करते थे zone.js के नाम से एक लाइब्रेरी थी जो कि क्या करती थी, सारी चेंजेस को डिटेक्ट करती थी और नेक्स्ट भी प्रोसेस किया जाता था। एंगुलर 18 ने क्या किया, zone.js पे जो डिपेंड कर रहे थे आप लोग या एंगुलर की जो एप्लीकेशन डिपेंड करती थी, इस डिपेंडेंसी को भी निकाल दिया गया है। अब आप यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, जितनी भी मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह होंगी वो zone.js लाइब्रेरी के बगैर ही सारी वर्किंग होगी। तो यहाँ पे इसी वजह से हेडिंग है दी जोन लेस चेंज डिटेक्शन। ट्रेडिशनली एंगुलर रिलाइड ऑन zone.js फॉर चेंज डिटेक्शन वाइल zone.js प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी इट कुड ऐड कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरहेड। ठीक है जी, अगर तो zone.js को आप यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आपके एप्लीकेशन में आ जाती है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिलाय करती है zone.js पे। एंगुलर 18 इंट्रोड्यूसेस ज़ोनलेस चेंज डिटेक्शन
a more lightweight approach that can potentially improve performance. Signals are a new concept in Angular 18. They act like observables that trigger change detection when their values change. This provides a more reactive way to manage application state updates. तो signals वगैरह का concept use करते हुए अब changes को detect किया जाएगा. zone.js को side पे कर दिया गया. इसी तरीके से मैं थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बताता चलूं, जो module.ts की फाइल एंगुलर 18 की एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट आपको नजर नहीं आएगी और उसकी जरूरत भी नहीं है. अगर तो आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो आप उसको खुद से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्प्रूव्ड सर्वर साइड रेंडरिंग. आप लोगों को आइडिया है कि एंगुलर को आप जब यूज करते हैं तो आप सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह नहीं कर सकते. एंगुलर 18 में इस फीचर को भी ऐड किया गया है, बट अभी डेवलपर के प्रीव्यू में इसको ऐड किया गया है. जैसे ही डेवलपर की तरफ से फीडबैक आएगा देन इसको प्रॉपरली स्टेबल वर्जन के साथ या स्टेबिलिटी के साथ इसको देन लॉन्च किया जाएगा. नॉर्मली आप लोगों को आइडिया है कि जब भी आप एंगुलर वगैरह यूज़ करते हैं या रिएक्ट यूज़ करते हैं तो सर्वर साइड की रेंडरिंग करने के लिए आप नेक्स्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस वगैरह को यूज़ करते हैं, बट एंगुलर 18 में इस फीचर को ऐड कर दिया गया कि आप सर्वर साइड की रेंडरिंग भी कर सकें. तो यहाँ पे भी एंगुलर 18 इंक्लूड्स अ न्यू डेवलपर प्रीव्यू फीचर दैट अलाउज यू टू रिकॉर्ड यूजर इंटरेक्शंस ड्यूरिंग द हाइड्रेशन फेज ऑफ SSR. दिस कैन इम्प्रूव द परसीव्ड परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन बाय मेकिंग इट फील मोर रिस्पॉन्सिव. यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, यानी कि सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स वगैरह आता है वो पहले डिफरेंट फ्रेमवर्क से लाइब्रेरीज यूज हो रही थी, बट अब एंगुलर क्या करेगा, ये खुद से ही यहाँ पे आपको सर्वर साइड का जो डाटा है उसको रेंडर करके आपके सामने यानी कि क्लाइंट के सामने ले आएगा. उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी एनहांस्ड फॉर्म्स API. एंगुलर को यूज करते हुए आप फॉर्म्स वगैरह पहले भी क्रिएट कर रहे थे, अब भी आप फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, बट जो फॉर्म्स की एबिलिटी है कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कर दिया गया है फॉर्म्स API के जरिए. अब आप फॉर्म्स API को यूज करते हुए इजिली फॉर्म्स को क्रिएट भी कर सकेंगे और फॉर्म्स को आप वैलिडेट भी कर सकते हैं. एंगुलर 18 इंट्रोड्यूसेस न्यू फीचर्स टू द फॉर्म्स API दैट मेक इट इजियर टू क्रिएट एंड वैलिडेट फॉर्म्स. दिस इंक्लूड्स इजियर डेफिनेशन ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट्स एंड वैलिडेशन रूल्स एज वेल एज मोर कंट्रोल ओवर द वैलिडेशन प्रोसेस. यानी कि आपके लिए अब ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप फॉर्म की जो वैलिडेशन है उसको फॉर्म्स API के जरिए प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकें. उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन बेस्ड राउट रीडायरेक्ट्स. आप लोग राउटिंग वगैरह तो यूज करते हैं, एंगुलर आप जब भी यूज करेंगे तो आपको आइडिया है कि जो एंगुलर की एप्लीकेशन की स्ट्रक्चर है उसमें राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए. तो यहाँ पे एंगुलर 18 में क्या किया गया है, फंक्शन बेस्ड राउटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी गई है. क्या फंक्शन को यूज करते हुए जो राउटिंग है या राउट रीडायरेक्ट्स है उसको आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. प्रीवियसली राउट रीडायरेक्ट्स इन एंगुलर वर स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस. अभी तक यानी कि एंगुलर 18 से पहले जो आप राउट रीडायरेक्ट्स वगैरह यूज करते थे वो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस होती थी. एंगुलर 18 अलाउज यू टू डिफाइन राउट रीडायरेक्ट्स यूजिंग फंक्शंस. अब आप फंक्शंस को यूज करते हुए इसकी फंक्शनैलिटी को यानी कि राउट रीडायरेक्ट्स की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दिस एनेबल्स मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल रीडायरेक्शन लॉजिक. अब फंक्शन की बेस पे डायनेमिकली देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से राउट को रीडायरेक्ट करवाना है. पहले स्टैटिकली आप कॉन्फ़िगर करते थे, बट जब आप फंक्शंस को यूज करेंगे तो अब आप डायनेमिकली जो आपके राउट्स हैं राउटिंग है उसको आप रीडायरेक्ट वगैरह कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यू कैन नाउ रीडायरेक्ट यूजर्स बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन स्टेटस और अदर कंडीशन विद इन योर एप्लीकेशन. यानी कि एक सिनेरियो दिया गया है कि आप यूजर को ऑथेंटिकेशन की बेस पे या किसी और कंडीशन पे आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं. यानी कि डिफरेंट फंक्शंस बने होंगे जो कि कंडीशन को देखेंगे, यूजर को आपने किस तरफ रीडायरेक्ट करवाना है वो फंक्शन की बेस पे रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा. देन अगर मूव करते हैं तो देन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी इम्प्रूव डेवलपर टूलिंग. आप लोग एंगुलर में काम करते हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी से आप अपने क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड कर लें, एंगुलर डेव टूल्स के नाम से एक एक्सटेंशन मौजूद है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है डिबगिंग वगैरह में, इसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन को मैनेज करने में, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह में,
अगर तो आप लोगों को नहीं आइडिया मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने एंगुलर डेव टूल की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इम्प्रूव डेवलपर टूलिंग, यानी कि इस एक्सटेंशन को भी इम्प्रूव किया गया है। एंगुलर 18 एनहांसिस द डेवलपर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग बेटर टूलिंग। द एंगुलर डेव टूल्स एक्सटेंशन ऑफर्स डीपर इंसाइट्स इन टू एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड स्टेट चेंजेस। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेटर कर सकते हैं डेव टूल के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए, यानी कि एंगुलर की। दिस कैन सिग्निफिकेंटली एड डिवेलपर्स इन डिबगिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग देयर एंगुलर एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एडिशनल फीचर्स। एंगुलर 18 में मज़ीद कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए। नंबर वन, टाइप स्क्रिप्ट 4.7 सपोर्ट। एंगुलर 18 ऑफर्स सपोर्ट फॉर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट कीपिंग योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अप टू डेट। यानी कि टाइप स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एंगुलर 18 में सपोर्टिव है। देन एज द लेटेस्ट एनजी टेम्पलेट एपीआई, द एनजी टेम्पलेट एपीआई हैज बीन इम्प्रूव प्रोवाइडिंग डेवलपर्स विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन वर्किंग विद टेम्पलेट्स। इसका भी आप लोगों को आइडिया होगा जिन्होंने एंगुलर वगैरह में काम किया, एनजी टेम्पलेट एपीआई वगैरह का आप इसको मजीद यूज करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस पर भी मजीद नेक्स्ट मैं लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगा, कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह एंगुलर पे भी आपको नजर आएगा। देन अपग्रेडेड डिबगिंग टूल्स। एज मेंशनड अर्लियर एंगुलर 18 बोस्ट बेटर डिबगिंग टूल्स फॉर अ स्मूथर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। यानी कि प्रीवियस लाइन में आप लोगों को बताया गया कि जो एंगुलर डेव टूल्स के एक्सटेंशन है उसको इम्प्रूव किया गया डिबगिंग वगैरह करने के लिए। न्यू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट, द ऑफिशियल एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट हैज बीन revamped फॉर अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अभी लास्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है और इसी तरीके से वहाँ पर जो न्यू डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों को अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देन यूनिफाइड कंट्रोल स्टेट चेंज इवेंट्स। एंगुलर 18 इंट्रोड्यूसिस यूनिफाइड कंट्रोल स्टेट चेंज इवेंट्स स्ट्रीम लाइनिंग हाउ यू हैंडल फॉर्म कंट्रोल स्टेट चेंजेस विद इन योर एप्लीकेशन। तो ये बेशुमार फीचर्स हैं जो कि एंगुलर 18 ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब इसका कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको अभी लाजमी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ज़रा विज़िट करते हैं। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करते हैं एंगुलर तो आपके सामने यहाँ पर ये साइट ओपन हो जाएगी एंगुलर डॉट डेव के नाम से, या अगर आपको एंगुलर डॉट आईओ के नाम से वेबसाइट भी नज़र आती है तो वो भी आपको रीडायरेक्ट यहीं पे करवाएगी। ठीक है जी, फिलहाल वो यहाँ पे सर्चिंग में नज़र नहीं आ रही। तो ये न्यू वेबसाइट जो लॉन्च की गई है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ये जी हमारे पास एंगुलर 18 के जो न्यू डॉक्यूमेंटेशन है, न्यू वेबसाइट है, इसको आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्स है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंगुलर 18 की मौजूद है। आप यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप इसको फॉलो करते हुए एंगुलर 18 को सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और एंगुलर 18 का कोर्स आपके सामने इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड करूंगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं।